सब्सक्राइब करिए फनिक्चर रियाज चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फनिक्चर रियाज दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक और आर्च का निशान किस तरीके से लगता है, क्योंकि काफी आर्चों के मैं निशान बता चुका हूँ, क्योंकि जितना ज्ञान आ जाए उतना ही कम है। तो मैं आज आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, बड़ा आसान तरीका भी आर्च का, कहीं भी आपको निशान लगाना हो तो आसान सा तरीका है। दोस्तों इसका फार्मूला ये है, जितनी भी आपने लेनी है, अगर 18 इंची की लेनी है आपने आर्च घुमानी है तो 18 इंची की प्लाई ले लो। जैसे आपने, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि ऐसे आपने यहाँ से 8 फुट की लेनी है, ठीक है, तो आपने 8 फुट की प्लाई लेनी है, ठीक है। और जैसे आपने आर्च करनी है 15 इंची की, तो ऐसे 15 इंची चौड़ी ले लेनी है, ठीक है। दोस्तों ये मेरी जो सी प्लाई है, ये जो सी मेरी प्लाई है 5 इंची है, इसका साइज एक जैसा हमने छोड़ना है। ये मैं पहले नीचे निशान लगाता हूँ एक इधर, ठीक है दोस्तों। इस पर हम कीड़े मार लेंगे, मैंने ये निशान लगा लिया, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसकी दोनों धारें सीधी होनी चाहिए, ये वाली धार बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इसका साइज एक जैसा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे ये मैंने लगा लिया, ये मैंने लगाया, ये मेरा यहाँ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ हमारा ये पॉइंट आता है ना इधर, ये आ गया पॉइंट, एक आ गया मेरा इधर पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, 17 नंबर की एक कील इधर इधर मार लेंगे हम इस जगह, एक कील मार लेंगे इस जगह दोस्तों, ये कील दोस्तों ना तो अंदर होनी चाहिए ना ज्यादा बाहर होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी पूरी पूरी है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम सेंटर करेंगे प्लाई का, ये हमारी प्लाई कितनी है, 32 इंची है, 32 का आधा कितना हुआ 16, ये हमारा 16 इंची आ गया। अपन दोस्तों 16 इंची की मदद से पेंसिल का ले लेते हैं, ज़्यादा पतला होगा, हम इस कोने से मिलाएंगे और हम और ये वाला कोना हमारा जो था आया था सेंटर। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको यहां से काट देंगे, तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम, इसकी धार बिल्कुल सीधी कर लेंगे, हल्का हल्का सा निशान हमने खड़ा रखा था, इसकी धार बिल्कुल सीधी कर लेंगे। हमारा पूरा फर्मा कट चुका है, ये हमने सेंटर में भी निशान लगा दिया। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं, कहीं आपको पता ना लगे तो मैं दोस्तों एक बार आपको फिर बता दूं। दोस्तों हमने क्या लिया है, ये हमारी 32 इंची है, 32 का आधा कितना हो गया 16 इंची हो गया, ये मेरी 32 इंची है और 32 का आधा 16 इंची, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। और हमने दोस्तों क्या किया, सेंटर से हमने बिल्कुल सीधा निशान लगा के इसको काट दिया और अंदा लगा दिया। और दोस्तों सीधी और जो सी बात है, हमारी ये वाली धार भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और ये वाली धार भी सीधी होनी चाहिए और इसका साइज एक जैसा होना चाहिए जब हम काटें। और ये हमने सेंटर में की लगानी, जैसे 5 इंची है तो 5 इंची के हमने सेंटर में 16, यानी यहां से लिए हमने सेंटर 16 इंची, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार आपको निशान लगा के फिर भी दिखा देता हूँ, कई भाइयों को नहीं पता लगता है, ये मेरा 32 इंची आ गया दोस्तों, ठीक है, ये 32 इंची, 32 इंची का आधा कितना हुआ 16 इंची, ये मैंने 16 इंची पर ले लिया, ठीक है, ये मेरा 16 इंची आ गया, ये मेरा सेंटर आ गया दोस्तों, ये मैंने इसका सेंटर ले लिया 16 इंची, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने जो सी दोस्तों ये घुमानी है ना, ये हमने देखो यहां हमने अपनी या पेंसिल रख लो, कोई भी चीज रखनी है, हमने ये यहां से उठाना है इसको, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे करके लेके जाना है, ऐसे ऐसे,
ठीक है। और इसके साथ मिला के लेके जाना है हमने, ये हमने रख दिया। और इसके साथ हमने, क्योंकि इधर भी कील मिली है और इधर भी चलना चाहिए, ये देखो ऐसे ही चलना चाहिए, ये ना कि आपका गड़बड़ हो जाए यहाँ से ऐसे हो जाए फिर नहीं आएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको चलाते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से रख लेंगे इसको पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ से हमने रखा, अब यहाँ से हम इसको चलाना चालू करते हैं। दोस्तों मैं कह रहा हूँ इसको, क्योंकि दो आदमी की जरूरत होती है, एक हेल्पर हो छोटा था जिनसे इसको पकड़ ले, क्योंकि फर्मा ज्यादा लंबा है। अब इसी प्रकार हम दोस्तों फिर इधर से करेंगे, हाथ रखिए इसके, इसके साथ मिला के रखिए। ठीक है, ये देखो दोस्तों पीछे, दोस्तों बड़ा इजी निशान लगाना, मैं आपको फिर बता दूं, ये जैसे आप 8 फुट की लेते हो, जैसे आपने 8 फुट की आर्च घुमानी है, 8 बाई आपने समझ लो 15 की घुमानी है, तो आपने क्या करना, 8 फुट बाई 15 इंची की प्लाई लेनी है, 8 फुट बाई 15 इंची की प्लाई लेनी है। 8 फुट का आधा कितना हो गया, 8 फुट का आधा कितना हो गया, 4 फुट हो गया, और 4 फुट सेंटर करके उसको हमने ऐसे ऐसे काट देना प्लाई को, ठीक है। और ये दोनों धारे हमारी सीधी चाहिए, क्योंकि जब हमने ये चलाया, ये देखो ये हमने जब चलाया, ये देखो, क्योंकि ये वाली धार में अगर ढबक होगी तो यहाँ हमारी ढबक आ जाएगी, ठीक है। और जब हमने चलाया, ये देखो, ये भी देखो, ये वाली धार भी चल रही है, यहां तक आ रही है हमारी, ठीक है। और प्लाई आपने फालतू नहीं करनी, हल्की सी की कील अगर उतरती हो, हल्की सी कील आपने अंदर की तरफ बैंड कर देनी है, ठीक है। अगर आपने प्लाई फालतू कर लिया एक आधा इंची, तो फिर आपकी प्रकार बड़ी हो जाएगी, यहां पर नहीं आएगी, फिर वो यहां चली जाएगी आपकी। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, क्योंकि विद्या देने से और बढ़ती है, कम नहीं होगी। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, और मेरा दिमाग ज्यादा तेज चलेगा तो आप लोगों का भी चलेगा, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों इसको लाइक करना, और दोस्तों शेयर मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, जैसे आप लोगों को पता है शेयर भाई, हमने तो देखी हुई है वीडियो, तो दोस्तों अपने जैसे और कोई कारपेंटर भाई है उनको भी शेयर कर दो, ठीक है, किसी और का भी भला होगा। चलो आप तो एक्सपर्ट हो, मैं आपको पहले बोलता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो, ठीक है। दोस्तों इसको लाइक भी करना है, इसको शेयर भी करना, साथ में बेल आइकन का बटन है वो भी दबा देना, क्योंकि मेरी जो सी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी, ठीक है दोस्तों। और प्यार भरी सारे सत्संगी भाइयों को राधा स्वामी।